राम राम भाइयों, आज मैं शुक्रताल में स्थित बगलामुखी मंदिर आया हुआ हूँ। ये मंदिर शुक्रताल के आउटर में पड़ता है, बिल्कुल मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर दूर पर शुक्रताल है और शुक्रताल से लगभग 5 किलोमीटर जो गंगा नदी है, गंगा नदी से 5 किलोमीटर की दूरी में बिल्कुल आउटसाइड में ये बगलामुखी माता जी का मंदिर पड़ता है। कुछ लोगों को इसके बारे में पता है लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में, मंदिर के बारे में नहीं पता। और ये जो इधर से रास्ता है, ये आता है गंगा घाट की तरफ से, ये मेन गेट है, एंट्री है, ये इधर रास्ता जाता है जंगल में। तो आज मैं भी पहली बार बगलामुखी माता जी के मंदिर में आया हूँ, आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ माता रानी के। ये देखिए मंदिर के सामने ये रेत का जो टीला है लगा हुआ है, वो तो सुखदेव आश्रम से भी आगे तक है और यहाँ पे सारे टीले ही टीले हैं। तो चलो भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मंदिर का एंट्री गेट है, तो ये है जी एंट्री करने के बाद आश्रम के अंदर। काफी बड़ा ये आश्रम है और दूर से देखिए आपको माता रानी की प्रतिमा भी दिखाई दे रही होगी, ये बगलामुखी माता जी की प्रतिमा है। प्राचीन पांडव काली माता पार्वती मंदिर कार्यालय भोग प्रसाद, यहाँ जो पंडित जी है इस मंदिर परिसर के पीठाधीश्वर वो बैठते हैं। कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारे, उसके बाद नंगे पांव आपको भवन के अंदर प्रवेश करना होगा। पांडव काल में माता पार्वती मंदिर का उल्लेख महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में इस प्रकार है कि उस समय यह क्षेत्र कामया वन के नाम से जाना जाता था। इस पांडव जुए में सब कुछ हार गए और उनका वनवास हो गया, तभी यहाँ पर आए थे। उस समय माता पार्वती ने उन्हें दर्शन देकर समझाया और आश्वासन दिया कि वनवास के बाद तुम्हारा राज्य पुनः वापस मिल जाएगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, मुझे राज्य की चिंता नहीं है बल्कि अपने परिवार व अतिथि ऋषि मुनियों से सत्कार तथा उनके भोजन की व्यवस्था की चिंता है। इस पर माता पार्वती ने बताया कि पास ही गंगा में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना करो, अवश्य ही तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। युधिष्ठिर ने पूरी रात गंगा में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना की। प्रातःकाल के समय सूर्य देव प्रसन्न होकर महाराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दे दिया और अक्षय पात्र की यह विशेषता थी कि भोजन करने वाले की जो इच्छा होती थी वही भोजन इस अक्षय पात्र से मिल जाता था और जब तक बनाने वाला न खा ले तब तक भोजन समाप्त नहीं होता था। यह नीचे बेसमेंट में पार्वती मंदिर है और मैंने जो अभी आपको पढ़ के बताया है वो ऐसा हुआ था यहाँ पे। तो 5000 वर्ष पुराना यह मंदिर परिसर है, यहाँ पे 5 पांडव आए थे और बहुत सुंदर और अच्छी अच्छी प्रतिमाएं हैं, 4 से 5 प्रतिमाएं हैं शुक्रताल के अंदर। यह प्रतिमा माता लक्ष्मी जी की है और यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत बारीक जाली का गेट है यहाँ पे। यह प्रतिमा माता सरस्वती जी की है। अब हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे, माता बगलामुखी जी की विशालकाय प्रतिमा के आपको दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों ये मंदिर परिसर है और देखिए माता बगलामुखी जी की
विशालकाय प्रतिमा के दर्शन कीजिए आप लोग। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, और कोई नया भाई इस वीडियो को देख रहा हो तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये माता बंगला मुखी जी की विशाल प्रतिमा। सुख तीर्थ के अंदर 4 से 5 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो देखने में बहुत सुंदर है। कुछ लोगों को ही पता है यहाँ इस मंदिर के बारे में, ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो शुक्रताल में जब भी आए दर्शन करने तो किसी भी लोकल निवासी जो गांव का कोई भी व्यक्ति आपको मिले उनसे पूछे बगलामुखी माता का मंदिर कहाँ है, और यहाँ पर ज़रूर आए। बहुत शांति है इस मंदिर में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये है माता बंगला मुखी जी की विशालकाय प्रतिमा, जो कि मुजफ्फरनगर के सुखतीर्थ शुक्रताल में स्थित है। एक बार यहाँ आए और माता बंगला मुखी जी के दर्शन जरूर करें। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई साहब, और भी कहीं नई नई जगह जाऊंगा तो मैं आपको सभी प्रकार की जानकारी और वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, जय बाबा भोलेनाथ। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।